हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अपेंडिजेस ऑफ पेलिमोन। दोस्तों, ये क्वेश्चन 7.5 नंबर में बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर जो कि हायर नॉन कोर डेट है उसमें पूछा जाता है। ठीक है, 7.5 नंबर में अगर ना पूछा गया हो तो 2 नंबर में उसके शॉर्ट क्वेश्चंस में बन जाते हैं कि आखिर एंटीन्यूल्स क्या है, एंटीनी क्या है, मैक्सिली क्या है, मैक्सिल्यूली क्या है, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस इसके सिफेलिक अपेंडिजेस के बारे में भी आ जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिजेस ऑफ पेलिमोन, जिसे आप आज हम पूरी तरह से समझेंगे कि इसे एग्जाम पेपर में कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं जो कि 7.5 नंबर में पूछे जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पेलिमोन, नर्वस सिस्टम ऑफ पेलिमोन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पेलिमोन, ब्लड वास्कुलर सिस्टम ऑफ पेलिमोन, मतलब इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे हम कवर करेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है पेलिमोन का, जो कि है अपेंडिजेस ऑफ पेलिमोन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका करेंगे, आपको एग्जाम पेपर में किस तरह से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको देना होगा इंट्रोडक्शन कि आखिर पेलिमोन क्या है, फिर उसके बाद आपको बताना होगा कि पेलिमोन के जो अपेंडेजेस है वो किस तरह से डिवाइड हैं, उसके अपेंडेजेस के कार्य क्या है। स्टार्टिंग में आपको बहुत कुछ उसमें इंट्रोडक्शन देना होगा, उसके बाद आपको इसके स्ट्रक्चर और डायग्राम्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देना होगा। ठीक है, डायग्राम्स बहुत ही अच्छी तरह से आपको वहां पर बना करके उसमें दिखाना होगा कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे कोक्सा, प्रीकोक्सा, बेसल एंड एंडोपोडाइट, एक्सोपोडाइट, इन सभी को अच्छी तरह से वहां पर बना करके दिखाना होगा। ठीक, उसके बाद इसमें आपको एक्सप्लेनेशन देगा होना होगा किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया इसका कोक्सा होता है, प्रीकोक्सा होता है, तो इसका किसी में इसका कोक्सा छोटा होता है, किसी में अलग मॉडिफिकेशन ले लेते हैं, क्योंकि ये कार्य और अपनी साइज, कार्य के अनुरूप अपने साइज में और परिणाम में वेरिएशन शो करते हैं, समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा हाथ है, ये लड्डू को उठाने में, इसकी जो उंगलियां है, मेरी उंगलियां, ये लड्डू को उठाने में हेल्प करेंगी, बट वहीं पर अगर हम किसी डॉग को ले लें तो वो अपने मुंह से लड्डू उठाएगा, अगर वो उठाना चाहेगा तो अपने मुंह से लड्डू उठाएगा, क्योंकि उसकी जो उंगलियां होती है या हाथ, या उसके हाथ होते हैं, वो इस तरह से मॉडिफाइड नहीं है कि वो एकदम से लड्डू को उठा ले, समझ रहे हो। तो यही होता है इसमें भी, पेलिमोन में भी यही देखा गया कि इसके जो अपेंडेजेस है वो उसके कार्य और साइज में, उसके अनुसार, उसके परिणाम में बहुत सारे वेरिएशंस पाए गए। कहीं पर इसका कोक्सा छोटा हो गया तो कहीं पर प्रीकोक्सा, कहीं पर इसका जो एक्सोपोडाइट है वो कहीं किसी और रूप में मॉडिफाइड हो जाता है। तो यही अपेंडेजेस हमें आज एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो अपेंडेजेस होता है, इसकी बॉडी के प्रत्येक सेगमेंट, अब देखिए मैं बॉडी बता रहा हूं तो इसका मतलब आपको समझना होगा। देखिए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां पर एक कुछ इस तरह से मैं पेलिमोन का स्ट्रक्चर बना देता हूं। ठीक है, सपोज दैट इज, ये इसकी बॉडी है, पेलिमोन की बॉडी है। ठीक है, अब यहां पर ये मत देखना कि ये कितना कैसा बनाया है, कैसा नहीं बनाया है, आपको ये समझना है कि ये पेलिमोन की बॉडी है। अब ये उसमें सेगमेंट है, ठीक है, सेगमेंट का मतलब होता है खंड। अब मैं ये बता रहा हूं आपको, इसकी बॉडी के प्रत्येक सेगमेंट पर, मतलब ये सेगमेंट है, सेगमेंट है, सेगमेंट है, सेगमेंट है, एक पेयर सेगमेंटेड और जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर इस तरह से ये अपेंडेजेस और ये वन पेयर हो गया। ठीक है, ये अपेंडेजेस, मतलब इसकी बॉडी के प्रत्येक सेगमेंट पर वन पेयर जॉइंटेड और सेगमेंटेड, मतलब जो अपेंडेजेस है वो भी जॉइंटेड और वहां पर, मतलब जॉइंट तो है आपस में लेकिन वो भी सेगमेंटेड है। ठीक, तो इस बात को आपको इस तरह से अब जो है फील करना है, इसकी सेगमेंट की बात मैं किसकी कर रहा हूँ, और कहाँ पर मैं अपेंडेजेस की सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, और कहाँ पर इसके बॉडी के सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसका सेगमेंट और जॉइंटेड अपेंडेजेस है वो टोटल 19 होते हैं, और मैंने आपको बताया इसके जो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं वो कार्य और साइज, कार्य के अनुसार अपने साइज और परिणाम में विभिन्नताएं दर्शाते हैं, मतलब वेरिएशन शो करते हैं, किसी का आकार छोटा, किसी का, और उसके बाद उनका जो कार्य है वो अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें टोटल 19 पेयर्स अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, अब उन्हें किस प्रकार से डिवाइड किया गया है ये आप यहां पर देख सकते हैं। पेलिमोन में 19 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिसमें से हमने क्या किया, इसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 19 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस को 3 भाग में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें फर्स्ट पार्ट आता है सिफेलिक अपेंडेजेस। अब देखिए यहां पर आपको अलर्ट करना होगा, जो सिफेलिक अपेंडेजेस है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। ठीक है, एंटीन्यूल्स, एंटीनी, मैक्सिली, मैक्सिल्यूली, इस तरह से 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पूरी तरह से इसे याद करना होगा। ठीक है, तो इसमें जो सिफेलिक अपेंडेजेस है
थ्योरेसिक अपेंडिजेस और एब्डोमिनल अपेंडिजेस, इसे तीन भागों में, इसके बॉडी के जो सभी के सभी सेगमेंट पर पाए जाने वाले अपेंडिजेस को तीन भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, जो कि है 19 पेयर्स, या फिर आप डायरेक्टली कह सकते हो कि जो 19 पेयर्स ऑफ अपेंडिजेस है इसकी बॉडी पर, उसे हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से भागों में? सिफेलिक अपेंडिजेस, थ्योरेसिक अपेंडिजेस एंड एब्डोमिनल अपेंडिजेस। अब हम बात कर लेते हैं सिफेलिक अपेंडिजेस की। ये 5 पेयर्स होते हैं, मतलब 5 जोड़ा इसका होता है, ठीक है। कौन कौन सा? एंटीन्यूल्स, एंटीनी, मैंडिबल्स, मैक्सिल्यूली एंड मैक्सिली, ठीक है, ये 5 पेयर्स। इसे आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना होगा, क्योंकि शॉर्ट में आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको वहां पर डायरेक्टली दे देगा एंटीन्यूल्स, तब आपको वहां पर ये नहीं बोलेगा एंटीन्यूल्स एक अपेंडिजेस है, डायरेक्टली शॉर्ट में एंटीन्यूल्स दे देगा, फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा, याद करना होगा आखिर एंटीन्यूल्स क्या है। अगर आपने अपेंडिजेस पढ़ा होगा तब एकदम से आप एक्सप्लेन कर देंगे कि हाँ ठीक है, ये फर्स्ट सेगमेंट में पाया जाने वाला एंटीन्यूल्स है, ठीक है, ये एक अपेंडिजेस है। अब देखिए, अब इसे 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया। अब आपको एंटीन्यूल्स, एंटीनी, मैंडिबल्स, मैक्सिली एंड मैक्सिल्यूली, इन सभी का क्या करना होगा? धीरे धीरे एक डायग्राम स्ट्रक्चर दिखाना होगा, इनके बताना होगा कि इसमें किस तरह से डिवाइड है, कोक्सा, प्रीकोक्सा, बेसल, अब इसमें इसमें जो एंडोपोडाइट होता है, एक्सोपोडाइट होता है, वो किस तरह से मॉडिफाइड है, इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना होगा। और फाइनली इसका फंक्शन भी लिखना होगा, आखिर इसका कार्य क्या है, ये क्या कार्य करता है पॉलीमोन की बॉडी में, ठीक है। थोरैसिक अपेंडिजेस 8 पेयर होते हैं, मतलब 8 जोड़ा होता है इनका, जिसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये 3 पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपीड्स एंड 5 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, मतलब जो चलने फिरने वाले इनके जो पैर होते हैं वो वहां पर 5 पेयर में डिवाइड हो गए, एंड सेकंड वहां पर 3 पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपीड्स में डिवाइड हो गए, जिसे हम इस तरह से कह सकते हैं फर्स्ट पीरियड्स पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपीड्स, सेकंड पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपीड्स एंड थर्ड पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपीड्स, ठीक है, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। और फिर फाइनली आपका आता है एब्डोमिनल अपेंडिजेस। अब ये एब्डोमेन के पास होते हैं, ठीक है, एब्डोमेन सेगमेंट में जो पाए जाते हैं एब्डोमिनल अपेंडिजेस जो होते हैं वो 6 पेयर्स होते हैं, मतलब उनका 6 जोड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर इसे, अब जो एब्डोमिनल अपेंडिजेस होता है इसे हम प्लियोपोड्स भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लियोपोड्स। अब प्लियोपोड्स जो होता है, अब देखिए इसे हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, सबसे फर्स्ट प्लियोपोड्स को क्या बोलोगे, टिपिकल प्लियोपोड्स, फिर फर्स्ट प्लियोपोड्स, सेकंड प्लियोपोड्स, थर्ड प्लियोपोड्स, तो इस तरह से ये प्लियोपोड्स है वो 6th प्लियोपोड्स तक ये होता है, ठीक है। अब इन्हें हम यूरोपोड्स, जो ये 6th प्लियोपोड्स होता है इसे हम यूरोपोड्स भी बोलते हैं, ये थोड़ा अलग होता है इन सभी से, ऊपर वाले जितने भी प्लियोपोड्स हैं उनसे थोड़ा अलग होता है, इसलिए हमने डायरेक्टली 6th प्लियोपोड्स को वहां पर डायरेक्ट डिस्क्राइब करना पड़ता है, और इसे हम यूरोपोड्स भी बोलते हैं, इसमें थोड़ा अलग से वेरिएशन देखने को मिलता है। तो अब तक कि आपने इंट्रोडक्शन में कितना सीखा, इसमें जो है 19 पेयर्स ऑफ अपेंडिजेस पाए जाते हैं, जो कि 3 टाइप्स से डिवाइड है, दैट इज सिफेलिक अपेंडिजेस, थोरैसिक अपेंडिजेस एंड एब्डोमिनल अपेंडिजेस, और इनके सभी अपेंडिजेस को आपको वहां पर डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिफेलिक अपेंडिजेस को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे और उसके स्ट्रक्चर के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हेडिंग डाल लेंगे सिफेलिक अपेंडिजेस, और सबसे पहले हम सिफेलिक अपेंडिजेस को एक्सप्लेन करेंगे। आपको पता है कि ये 5 पेयर्स में होते हैं, मैं पहले ही इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। सो इनके नाम क्या है, एंटीन्यूल, एंटीनी, मैंडिबल्स, मैक्सिल्यूली एंड मैक्सिली। दोस्तों यहाँ पर आपको इसे क्रम में याद करना होगा, ठीक है। क्रम में क्यों याद करना होगा, क्योंकि ये फर्स्ट सेगमेंट, ये सेकेंड सेगमेंट, ये बॉडी के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से सेगमेंटेड में पाए जाते हैं, ठीक है। बॉडी के सेगमेंट में ये फर्स्ट अपेंडिजेस, ये सेकंड अपेंडिजेस, ये थर्ड अपेंडिजेस, ये फोर्थ अपेंडिज और ये 5 अपेंडिज इस तरह से पाए जाते हैं। तो इसलिए अगर आप इसे क्रम में याद करोगे कि सबसे पहले एंटीनी, फिर एंटीन्यू, ठीक है, सबसे पहले एंटीन्यूल्स, फिर एंटीनी, फिर मैंडिबल्स, फिर मैक्सिल्यूली एंड मैक्सिली, इस तरह से आपको यहाँ पर याद करना होगा। और एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में किस तरह से देना होगा, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना होगा, और डायग्राम बहुत ही अच्छी तरह से आप यहाँ पर अपने दिमाग में एक तरह से पिक्चर की तरह से कलेक्ट कर लें, ताकि आपको अच्छी तरह से वहां पर जाकर के आप बना सके, ठीक है। और उस डायग्राम के बेस पर आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पहले मत दें, पहले डायग्राम बनाओ, तब आपको एक्सप्लेनेशन देने में बहुत ही आसानी होगी, और आप फटाफट एक्सप्लेन करोगे। वरना अगर आप सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दोगे और फिर डायग्राम बनाने जाओगे, तब आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले एक्सप्लेन करने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, और फिर इसके बाद डायग्राम बनाने जाओगे, तब वहां पर आपको सोचने में वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं एंटीन्यूल को, ठीक है।
ध्यान से देखोगे इसका जो प्रोटोपोडाइट है वो थ्री भागों में डिवाइड है। सबसे पहला प्रीकोक्सा, सेकंड कोक्सा एंड थर्ड बेसिस। इसका जो पूरा प्रोटोपोडाइट है वो थ्री भागों में डिवाइड है, प्रीकोक्सा, कोक्सा एंड बेसिस। ये यूनिरेमस होता है और प्री ओरल होता है। प्री ओरल का मतलब कि जो माउथ के आगे की ओर प्रेजेंट हो, प्री का मतलब आगे एंड ओरल का मतलब माउथ, तो जो माउथ के आगे की ओर प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं प्री ओरल। और ये जो फर्स्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और कहाँ पर, आई स्टॉक के नीचे, जिसकी आई स्टॉक होती है उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। इसका प्रोटोपोडाइट मैंने बताया कि आपको थ्री सेगमेंट में, ये जो पॉइंट्स लिखे मैंने इसे आप नोट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चाहे तो आप नोट कर लें चाहे आप स्क्रीनशॉट कर लें। आपको करना क्या होगा, ये जो आपको, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये सब आपको एक्सप्लेन करने में मदद करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट देख करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपको याद भी रहेगा, ठीक। तो सबसे पहले ये यूनिरेमस प्री ओरल होते हैं एंड फर्स्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होता है एंटीन्यूल, ठीक है। एंटीन्यूल फर्स्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और कहाँ पर, आई स्टॉक के नीचे की तरफ। और इसका जो प्रोटोपोडाइट है वो जो है डिवाइड होता है थ्री सेगमेंट में, एक प्री कोक्सा, कोक्सा एंड बेसिस। ध्यान से देखो ये होता है प्री कोक्सा, ये बीच में जो कोक्सा है और ये बेसिस। अब हम इसके प्री कोक्सा की अगर हम बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा प्री कोक्सा जो सेगमेंट है वो सबसे बड़ा है इन सब में, ठीक है। तो ये प्री कोक्सा एक बड़ा सा होता है और इसमें इसके जो डोर्सल सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इस पे मैंने जो ब्लू कलर की यहाँ पर डॉट 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 का निशान लगाया है, ये यहाँ पर एक ब्रॉड पोर की तरह दिखाई दे रहा है, चौड़ा सा छिद्र होता है जिसे हम बोलते हैं पोर, ठीक है। अब इस छिद्र को हम बोलते हैं स्टेटोसिस्ट, ठीक है। ये कंपाउंड आई को यहाँ पर देखने में मदद करता है, ठीक है। तो ये इसे हम स्टेटोसिस्ट भी बोलते हैं। अब इसका जो कोक्सा है आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर की तरफ एक उभार से निकला होता है और उसके बेसिस जो है, बेसिस के ऊपर आपने देखा कि यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ आउटर फ्लीर, ठीक है, फिलर, आउटर फिलर की ब्रांचेस और ये इनर फिलर की। आउटर फिलर की ब्रांचेस दो भागों में फर्दर डिवाइड होती हैं और इनर फिलर की ब्रांचेस आप देख सकते हैं, ठीक। तो इसमें दो मल्टी सेगमेंटेड, अब ये जो फ्लीर है आपको दिखाई दे, फिलर दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो है मल्टी सेगमेंटेड होती है। जब एक से ज्यादा सेगमेंट पाए जाते हैं तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टी सेगमेंट। अब इसका कार्य आपको फाइनली क्या लिखना है, ये जो है सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब संवेदी, जैसे आपको कोई टच करता है तो आपको पता चल जाता है, ठीक इसी तरह से इसे बोलती है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी होती है नर्वस सिस्टम के द्वारा, उसके इम्प्यूल्स के द्वारा वो, तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी सेंसिटिव और बैलेंस ऑर्गन का काम करते हैं। तो एंटीन्यूल का क्या कार्य है, एक तो सेंसिटिव संवेदना ग्रहण करना और दूसरा है एक बैलेंस की तरह कार्य करते हैं, ठीक है, संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। सेकेंड है एंटीनी। अब एंटीनी की स्ट्रक्चर्स आप ध्यान से देखिए, ये जो है सेकंड, ये माउथ के सेकंड सेगमेंट की तरफ पाया जाता है, ठीक है, और एंटीन्यूल के जस्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। आपको यहां पर बताना है कि ये एंटीन्यूल के जस्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। इसका जो कोक्सा है वो स्मॉल होता है, ध्यान से देखें कटोरी लाइक की स्ट्रक्चर बना रहा है कोक्सा, स्मॉल जैसे इसके ऊपर बेसिस पाया जाता है और इसके ऊपर आप देखेंगे कि स्क्वामा, एक स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर्स निकल कर आती है, ठीक है। ये इसका जो फ्लीर है देखिए किस प्रकार से रूपांतरित हो गया, ये कार्य के अनुरूप, मैंने बताया था आपको इनका जो कार्य के रूप, इनका साइज और परिणाम ये सब जो है उसी के अकॉर्डिंग वेरिएशन शो करते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं, इसके जो आप कोक्सा दिखाई दे रहेंगे इसकी तरफ एक छिद्र होता है जिसे हम बोलते हैं रीनल अपरेचर, ठीक। तो इसका जो प्रोटोपोडाइट है वो स्मॉल होता है और डिवाइड इन टू सेगमेंट, टू सेगमेंट में डिवाइड होता है, एक तो कोक्सा और एक बेसिस, ठीक। इसका जो एक्सोपोडाइट है इसे हम बोलते हैं एक्सोपोडाइट, वो जो है एक तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, पत्ती के समान एक स्ट्रक्चर्स बनाता है। अब इसका कार्य क्या है, इसका भी कार्य जो है सेंसिटिव मतलब कि संवेदना ग्रहण करना और एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन में ये हेल्प करता है और संतुलन अंग की तरह बैलेंस बनाता है, ठीक है। तो हमने अब तक के एंटीन्यूल और एंटीनी को डिस्क्राइब किया। और दोस्तों अगर हम मैंडिबल्स की बात करें तो हमारे जिस तरह से हमारे पे भी कौन सी मैंडिबल्स होती है, हमारे जो नीचे की तरफ जबड़े, नीचे वाला जबड़ा होता है वो मैंडिबल हड्डी होती है, सबसे मजबूत शरीर की हड्डी होती है, तो इसमें भी मैंडिबल्स पाए जाते हैं। अब इसका जो मैंडिबल्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और स्मॉल, छोटा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और कैल्सीफाइड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कैल्शियम की बनी हुई कैल्सीफाइड स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये बॉडी के थर्ड सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैंडिबल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, थर्ड सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और ये कोक्सा का बना होता है, ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कोक्सा का बना होता है और इसमें जो मोलर प्रोसेस होते हैं इसमें लगभग 5 से 6 दांत प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इसके इंसीजर्स में 2 या 3 से दांत इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो दांतों का काम, टीथ का कार्य क्या होता है, टीथ का फंक्शन क्या है, चबाना या कुतरना भोजन को, तो यही कार्य ये भी करते हैं, इनका फंक्शन है कि फूड इंगेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है,
चबाना या कुतरना, और उसके बाद हम मैक्सिलरी की बात करें तो इसमें आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, इसमें कोक्सा नीचे की तरफ प्रेजेंट है, बेसिस है और एंडोपोडाइट है, इधर की तरफ आपको दिखाएगा एंडोपोडाइट। अब ये भी एक स्मॉल होते हैं, छोटे से होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती के समान एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फोर्थ सेगमेंट में, ये थर्ड सेगमेंट में प्रेजेंट था और ये फोर्थ सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसकी जो ये किसके बने होते हैं, कोक्सा बेसिस एंड एक्सोपोडाइट, कोक्सा बेसिस एंड देन एंडोपोडाइट, सॉरी ये एंडोपोडाइट के में डिवाइड होते हैं, ठीक है, तीन भागों के बने होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, ये फूड इंगेशन, मतलब कि फूड को निगलने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जब आप फूड को खाते हैं जैसे निगलते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से ये इसका काम है चबाना कुतरना और इसका कार्य है निगलना, ठीक है, मेनली इसका वर्क आप कह सकते हैं निगलना, भोजन को निगलना। और फाइनली हमारे पास है मैक्सिली। अब मैक्सिली को भी आप ध्यान से देखोगे, ये भी एक सॉफ्ट होती, सॉफ्ट स्ट्रक्चर है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब पत्ती के समान इसकी स्ट्रक्चर है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये मोस्टली ये डिपेंड करता है कि आपको ये पता है कि नहीं पता है कि ये किस सेगमेंट में पाया जाता है, ठीक है। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन आपसे आ जाए कि मैक्सिली क्या है, तब आपको तुरंत बताना होगा कि ये जब जो है झींगा मछली या फिर आप पेलीमोन, जिसे पेलीमोन को झींगा मछली भी बोला जाता है, उसकी बॉडी के फिफ्थ सेगमेंट में पाया जाता है। ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके फिफ्थ सेगमेंट में पाई जाती है। और इसका जो है, इसका जो बेसिस होता है वो डिवाइड होकर के क्या बनाता है, ग्नेथोबेस, ठीक है, इसे हम नेथोबेस भी बोलते हैं, ग्नेथोबेसिस में डिवाइड होता है इसका। यहाँ पर देख सकते हैं ये कोक्सा है, नीचे की तरफ छोटा सा यहाँ पर आपको दिखाई होगा कोक्सा, इसका छोटे से होता है और इसका जो पूरा बेसिस है ये आपको दो भागों में डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ग्नेथोबेसिस, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हो इसका जो एंडोपोडाइट है वो थोड़ा स्मॉल होता है, ठीक है, और एंडोपोडाइट यहाँ पर कहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो आप छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था इसे हम एंडोपोडाइट बोलेंगे, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं हम एक्सोपोडाइट, ठीक। तो इसका एक्सोपोडाइट बड़ा होता है, एंडोपोडाइट छोटा होता है, और इसका जो बेसिस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसे हम नेथोबेसिस बोलते हैं, और इसका कोक्सा छोटा सा हो जाता है, ठीक है, तो इसमें कोक्सा, एंडोपोडाइट, एक्सोपोडाइट ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब इसका कार्य क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन और फूड इंगेशन, भोजन के खाने में, मतलब वहां पर मदद करता है और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। तो ये था एक्सप्लेनेशन अबाउट सिफेलिक अपेंडेजेस, जो कि 5 पेयर्स में थे, एंटीन्यूल, एंटीनी, मैंडिबल, मैक्सिलरी एंड मैक्सिली। आप इसे नोट कर लें और एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से आप स्क्रीन शॉट कर लें। सो गाइज, हेडिंग डाल लेंगे थियोरेसिक अपेंडेजेस। तो अब हम थियोरेसिक अपेंडेज को एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये थियोरेसिक वाले पार्ट में, जो थियोरेसिक अपेंड वहाँ पर सेगमेंट होगा बॉडी का, थियोरेसिक वाला पार्ट, वक्ष वाला पार्ट, उस पे जितने भी अपेंडेजेस पाएंगे वो सब के सब जो है थियोरेसिक अपेंडेजेस कहलाते हैं। और इसे हम दो प्रकार से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए और अध्ययन की सुविधा के लिए, स्टडी को और भी अच्छे तरह से करने के लिए हम इसे दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक तो 3 पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपिड्स एंड सेकंड 5 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, एल इज ए साइलेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स। अब इसका कार्य क्या होता है, तो इसमें जो वॉकिंग लेग्स होते हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, गति करने में, इधर से उधर चलने में, या किसी फूड को पकड़ने में, भोजन को पकड़ के उसे मुंह में डालने में, तो ये बहुत ही हेल्प करते हैं लोकोमोशन वगैरह में, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं 5 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स। एंड सेकंड हमारा है जो हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपीड्स, ये फूड को कैच करने में, मतलब किसी फूड को पकड़ करके वहां पर पकड़ने में हेल्प करते हैं डेफिनेटली, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या होगा, इसके यहाँ पर आपको इस तरह से डायग्राम बनाना होगा। ये फर्स्ट पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपीड्स है, ठीक है, ये फर्स्ट मैक्सिलिपीड्स, ये सेकंड मैक्सिलिपीड्स, ये थर्ड मैक्सिलिपीड्स, और यहाँ पर ये वॉकिंग लेग्स है, ठीक। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिलिपीड्स, अब यहाँ पर आपको हेडिंग डालना होगा फर्स्ट पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपीड्स। अब इसे किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे, आप इसकी स्ट्रक्चर के बेस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ ना पता हो, सपोज दैट कि आप एग्जाम पेपर में भूल गए हो, तब उस समय आपको इसकी स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, डायग्राम तो पता ही होगा कि यहाँ नीचे की तरफ कोक्सा होता है, एपिपोडाइट,
कोक्सा के जो जस्ट राइट साइड में आपको दिखाई होगा कि इसके जो दो एपिपोडाइट प्रेजेंट होते हैं वो डिवाइड हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। इसका एंडोपोडाइट जो है वो बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल में ट्रांसफॉर्मेटेड हो जाता है। इसमें उसके जस्ट बराबर में एक एक्सोपोडाइट बनता है, ठीक है। इसका बेसिस फूला हुआ भाग चपटा सा होता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये जो पूरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये थिन होता है, सॉफ्ट होता है, लीफ लाइक मतलब कि पत्ती के समान का स्ट्रक्चर होता है। एंड इसके जो ये कहां पर पाया जाता है, फर्स्ट सेगमेंट ऑफ थ्योरेसिक, ठीक है। तो ये थ्योरेसिक के वक्ष भाग का फर्स्ट सेगमेंट पर पाया जाता है, ठीक, इतनी बात याद रखेंगे। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वाला पार्ट किस सेगमेंट में प्रेजेंट है, बॉडी के किस सेगमेंट में। तो थ्योरेसिक के फर्स्ट वाला जो सेगमेंट होता है, बॉडी के फर्स्ट सेगमेंट जो थ्योरेसिक वाला पार्ट होता है, उसमें पाया जाता है फर्स्ट पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपीड्स, एक इस तरफ और इस तरफ, इसलिए हम पेयर्स बनाकर चल रहे हैं, ठीक है। पेयर्स हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड की, अब इसकी स्ट्रक्चर आपने देख लिया, ठीक इसी प्रकार से आपको सेकंड पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपीड्स भी एक्सप्लेन करना होगा। इसका डायग्राम और स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि इसमें तीन प्रकार से एसिस्चियम, कोक्सा, बेसिस, डक्टाइलस, प्रोटोपोडस एंड कार्पस, एक्सोपोडाइट आप देख सकते हैं, और एंडोपोडाइट इसके अंदर की ओर प्रेजेंट होता है, मिल यहाँ पर इसे हम बोलेंगे मेरस, दिस इज ए गिल्स। तो इसमें इस तरह की स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। अब आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इसका जो कोक्सा होता है वो स्मॉल होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा इसका जो कोक्सा है वो स्मॉल है, ये इसका जो एंडोपोडाइट होता है वो फाइव सेगमेंट में डिवाइड होता है, ये एक मेन पॉइंट है, इसे आप नोट करेंगे। इसका जो एंडोपोडाइट होता है, किसका, सेकंड पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपीड्स का जो एंडोपोडाइट होता है वो फाइव सेगमेंट में डिवाइड होता है। सबसे पहला इस्चियम, ये देख सकते हैं इस्चियम, और सेकंड हो गया आपके पास मेरस, एंड थर्ड कार्पस, एंड फोर्थ प्रोटोपोडस, एंड फाइनली डक्टाइलस। 1, 2, 3, 4, 5 पांच भागों में इसका जो हमारे पास जो इसका सेगमेंट था एंडोपोडाइट, एंडोपोडाइट इसका फाइव भागों में, फाइव पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसके बाद अब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये थर्ड पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपीड्स, ठीक है, थर्ड पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपीड्स में नीचे की तरफ ये जस्ट लाइक जो ऊपर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, सेम स्ट्रक्चर इसमें भी होती है, लेकिन बस यहाँ पर इसका जो आकार है, वो साइज है, उसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन पाया गया, वरना सेम ऊपर की तरफ जैसे इस्चियम इसमें भी प्रेजेंट है, कार्पस इसमें भी प्रेजेंट है, प्रोटोपोडस इसमें भी, एक्सोपोडाइट इसमें बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, कोक्सा भी प्रेजेंट होता है और बेसिस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लगभग इसी तरह की स्ट्रक्चर्स इसमें भी पाई जाती है, सेकंड पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपीड्स के लाइक जस्ट ऐसा ही होता है, ठीक है, बस साइज और परिणाम में थोड़ी सी विभिन्नताएं हैं। मैंने इसका जो कार्य है, इसका फंक्शन है, ये सभी के सभी मिलकर क्या काम करते हैं, फूड को पकड़ने में, भोजन को पकड़ने में, ठीक है। और मैंने इसके बाद बताया कि फाइव पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, अब इसके अंदर अगर आप देखो तो इसमें एक्सोपोडाइट, इसमें आपको याद रखने वाली कौन सा पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट क्या है जिसे आप याद रख सकते हैं, वो है एक्सोपोडाइट इसमें अब्सेंट होता है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो वॉकिंग लेग्स होते हैं उसमें एक्सोपोडाइट अब्सेंट होता है। और इस जो है दो सेगमेंट इसमें इस जो डिवाइड होता है, दो सेगमेंट्स का जो प्रोटोपोडाइट होता है वो दो सेगमेंट में डिवाइड होता है, और एंडोपोडाइट होता है वो फाइव सेगमेंट में डिवाइड होता है, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे पॉइंट मिस किया हूं जो कि आप अपने नोट्स में भी देख सकते हैं, बट मैंने वो पॉइंट मेंशन किया है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एग्जामिनर उसी चीज को देखता है, ठीक है। क्या, सबसे पहला तो इसमें आपने ये लिखा होना चाहिए कि एक्सोपोडाइट अब्सेंट होता है इसमें, वॉकिंग लेग्स में एक्सोपोडाइट अब्सेंट, एंड सेकंड इसका जो एंडोपोडाइट है, एंडोपोडाइट होता है वो फाइव सेगमेंट में डिवाइड होता है, और प्रोटोपोडाइट इसका टू सेगमेंट में डिवाइड होता है, या फिर आपसे एक्सप्रेस से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें एक्सोपोडाइट अब्सेंट और प्रोटोपोडाइट और एंडोपोडाइट जो है इसमें पाया जाता है। अब ये सेवन सेगमेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 और 2, 7 सात सेगमेंट जो है एक लाइन में, एक ही पंक्ति में अरेंज होते हैं, ठीक। तो इतनी बात देख ली, अब उसके बाद आप स्ट्रक्चर के बेस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि इसमें स्ट्रक्चर क्या क्या है, सबसे नीचे की तरफ कोक्सा, अब कोक्सा के बारे में आप क्या लिखोगे, कोक्सा इसमें बहुत ही स्मॉल होता है, फिर उसके ऊपर बेसिस होता है, बेसिस जो है बेसिस के ऊपर इस्चियम, फिर मेरस, कार्पस एंड प्रोटोपोडस एंड एक्टाइलस, इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर्स बनते हैं। सॉरी ये एक्टाइलस नहीं, डक्टाइलस होगा, ठीक है। तो डक्टाइलस की स्पेलिंग यहाँ पर आप, चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ, दिस इज अ डक्टाइलस, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी आपको स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसी जो है मुड़ जाता है, ठीक, इसका भी ध्यान रखना है।
सो गाइज, इन लेग्स के नाम क्या होंगे? तो सबसे पहला लेग जो आपको दिखाई दे, इसे बोलेंगे टिपिकल नॉन किलेटिंग लेग्स, ठीक है? ये जो फर्स्ट लेग है, इसे बोलेंगे टिपिकल नॉन किलेटिंग लेग्स। एंड सेकंड लेग्स को जो हमारे पास अभी, ये जो फर्स्ट लेग, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट लेग, ठीक है? अब ये जो फर्स्ट लेग है, इसे बोलेंगे फर्स्ट किलेटिंग लेग्स एंड सेकंड किलेटिंग लेग्स इन फीमेल। ये जो फीमेल में दिखाया गया है और ये मेल में, ठीक है? तो ये है सेकंड किलेटिंग लेग्स इन मेल और ये है सेकंड किलेटिंग लेग्स इन फीमेल। तो फीमेल में आपको ये जो सेकंड किलेटिंग लेग्स आपके सामने दिखाई दे, ये दोनों सेकंड लेग्स होते हैं, ये फीमेल में और ये मेल में। मेल में थोड़ा बड़ा होगा, ये आपको वहां पर बताना होगा कि मेल में जो किलेटिंग लेग्स होता है वो बड़ा होता है। ये आपस में पूरी तरह से जॉइंट होकर के एक सरिये की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये मल्टी सेगमेंटेड होते हैं। मल्टी सेगमेंटेड का मतलब इसमें सेगमेंट पाया जाता है, ठीक है? जो कि प्रोटोपोडस, कार्पस, मेरस, इस्चियम, बेसिस, कोक्सा, डक्टाइलस में डिवाइड होते हैं। इसका जो डक्टाइलस होता है वो पकड़ने में हेल्प करता है किसी चीज को। जैसे आप देखते हो चमचे की तरह, एक चोंच की तरह निकली हुई है स्ट्रक्चर को, बीक की तरह, ये इस तरह से पकड़ने में हेल्प करता है, ठीक है? और ये किस पर आधारित है? प्रोटोपोडस मॉडिफाइड हुआ है डक्टाइलस में, ठीक? आपने देखा इसका जो प्रोटोपोडस होता है वो डक्टाइलस में थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है, ऊपर की तरफ जाकर एक चम्मच की तरह, एक चोंच की तरह स्ट्रक्चर निकालता है जिसकी हेल्प से पकड़ने में हेल्प करता है। उसके नीचे कार्पस, फिर मेरस, इस्चियम, बेसिस, कोक्सा, ये सब के सब स्ट्रक्चर्स एक ही तरह की जो यहाँ पर कार्पस स्ट्रक्चर से बने होते हैं, ठीक है? तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, ये फाइव पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स है। इसमें आपको डायग्राम सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका, ठीक है? एक्सप्लेनेशन में मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए वो पॉइंट्स काफी हैं एक्सप्लेन करने के लिए, बट इसके जो डायग्राम है वो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। 7.5 नंबर का टॉपिक बनता है। ये था थियोरेसिक। अब फाइनली हमारा कौन सा होगा? एब्डोमिनल अपेंडेजेस। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लें या फिर स्क्रीन शॉट कर लें। सो गाइज, हेडिंग डाल लेंगे एब्डोमिनल अपेंडिजेस। तो ये हमारे इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, और ठीक है, अब इसमें एब्डोमिनल अपेंडिजेस कहाँ पर पाए जाते हैं? ये इसकी बॉडी के जो एब्डोमिनल पार्ट होता है, एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं, उन सेगमेंट पर एब्डोमिनल अपेंडिजेस पाया जाता है, ठीक है? और ये 6 pairs होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लियोपोड्स एंड स्विमिरेट्स, ठीक है? इन्हें प्लियोपोड्स और स्विमिरेट्स भी बोलते हैं। देखिए, अब ये जो है, इसमें हमने किस तरह से डिवाइड किया है? 4 types से, ठीक है? 6 pairs होते हैं, लेकिन सबसे पहला होता है टिपिकल प्लियोपोड्स, ठीक है? ये जो है थर्ड प्लियोपोड्स होता है, ठीक है? इसे हम टिपिकल प्लियोपोड्स भी बोलते हैं। हमने डायरेक्टली सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड को ना डिस्क्रिप्शन देकर के थर्ड को डिस्क्राइब किया, ताकि इसी के बेस पर आप यहाँ पर देखोगे इसकी स्ट्रक्चर इसी के बेस पर मॉडिफाइड हुई है। सो दैट्स वाई हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले टिपिकल प्लियोपोड्स लिया। ये थर्ड प्लियोपोड्स है, ठीक है? आप इसे थर्ड प्लियोपोड्स भी बोल सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर, इसके जो कोक्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक रिंग लाइक अंगूठी की तरह स्ट्रक्चर्स बना रहा है, और ऊपर की तरफ आप देखोगे इसका जो बेसिस है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है? ये जो लेफी, इसके ऊपर की तरफ आपने क्या देखा कि एक पत्ती के समान स्ट्रक्चर बना रहा है। जो आउटर वाला है वो एक्सोपोडाइट कहलाता है, और जो अंदर वाला लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं एंडोपोडाइट, ठीक? और इसके अंदर अपेंडिक्स इंटरना प्रेजेंट होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक? तो इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी टिपिकल प्लियोपोड्स, जो कि है थर्ड प्लियोपोड्स। अब हम फर्स्ट प्लियोपोड्स की बात करें तो ये सेम लगभग इसी के जैसा होता है, बट इसमें एंडोपोडाइट आपको अपसेट दिखाई देगा, ठीक है? एंडोपोडाइट जो है वो अलग रूप से मॉडिफाइड होता है, अपसेट नहीं होता, अलग रूप से मॉडिफाइड आपको दिखाई देगा। जैसे नीचे की तरफ कोक्सा, ऊपर की तरफ बेसिस, एंड जस्ट यहाँ पर आपको एंडोपोडाइट जो है इसका छोटा सा यहाँ पर किनारे पर दिखाई दे रहा है। ये धीरे धीरे इस तरह का जो है ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है, ठीक है? ये किसके बेस पर ट्रांसफॉर्मेटेड हुआ? चलने फिरने के बेस पर, ठीक है? इसका जो कार्य होता है उसी के बेस पर ये जो है अपने कार्य के अनुरूप इस तरह के आकार में ढाल लेते हैं अपने आप को, ठीक है? इसी को बोलते हैं सर्वाइव करना। सो दैट्स वाई यहाँ पर देखिए एक्सोपोडाइट यहाँ पर है, एक्सोपोडाइट इसका इस तरह से है, एंडोपोडाइट इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि एंडो और एक्सोपोडाइट एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपस में सम्मिलित होते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब हम बात करते हैं सेकेंड प्लियोपोड्स की। तो ये था फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है? थर्ड को हमने टिपिकल प्लियोपोड्स भी बोलते हैं। सेकेंड प्लियोपोड्स की अगर हम बात करें तो इसमें कोक्सा, बेसिस एंड अपेंडिक्स इंटरना के अलावा और भी इसमें मस्कुलर इंटरना भी इसमें पाया जाता है, ठीक है? इसमें अपेंडिक्स, मस्कुलर्स भी पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसे मस्क्यूलाइन भी बोलते हैं, ठीक है? मस्क्यूलाइन। और यहाँ पर आप देखोगे एक्सोपोडाइट इस तरह से, एंडोपोडाइट इस तरह से मॉडिफाइड हुआ।
यहाँ पर आपने देखा एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट साथ साथ थे, यहाँ पर देखा आपने यहाँ एंडोपोडाइट जो था वो छोटा सा हो गया स्ट्रक्चर बना लेता है, छोटी सी स्ट्रक्चर, और एक्सोपोडाइट एक बड़ी स्ट्रक्चर बना लेता है। बट यहाँ पर आपने देखा कि एक्सोपोडाइट जो है बड़ा सा, फिर एंडोपोडाइट जस्ट उसके बराबर में, एंड अपेंडिक्स मस्कुलाइना उसके बराबर में, और फाइनली अपेंडिक्स इंटरना भी प्रेजेंट होता है। तो इसमें दो तरह के अपेंडिक्स प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं, एक मस्कुलाइना और एक इंटरना। सो गाइज फाइनली आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा सिक्स प्लियोपोड्स को, जिसे हम यूरोपोड भी बोलते हैं। दोस्तों ये अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, प्लियोपोड्स के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। इसका जो भाग है देखिए, इसमें सिम्फॉइड प्रेजेंट होता है ऊपर की तरफ, एक निकुला भाग ट्राइंगल शेप का सिम्फॉइड बनाता है, ठीक है। इसका जो एक्सोपोडाइट है और एंडोपोडाइट है, ये आपस में फ्यूज होकर के इस तरह से उसके ऊपर की तरफ जुड़ जाते हैं सिम्फॉइड की हेल्प से, और नीचे की तरफ ये सेटर आपको दिखाई दे रहे से बोलते हैं सर fill lines between the two division of exopodite, एंड यहाँ पर एंडोपोडाइट और ये एक्सोपोडाइट आपने पूरी तरह से स्ट्रक्चर्स को देख लिया। इसी तरह आपको वहां पर भी एग्जाम पेपर में भी एक्सप्लेन करना होगा, जिस तरह से आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसी प्रकार से आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा, ठीक। तो ये सभी थे, हमने आज अबडोमिनल अपेंडेजेस भी पढ़ लिए, ठीक है। तो हमने आज पेरिमोन के अपेंडेजेस को वहां पर एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया, इसके स्ट्रक्चर्स को भी बनाया, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टाटा, वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगी है बनाने में। सो बाय बाय, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।